दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। इस अस्पताल में दिल्ली का पहला सफल हैंड ट्रांसप्लांट किया गया। 45 साल के शख्स के दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट किया गया। सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों की एक टीम ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पेशे से पेंटर इस 45 साल के शख्स ने एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। सफलतापूर्वक हैंड ट्रांसप्लांट के बाद अब वो फिर से ब्रश थामते हुए पेंटिंग के सपनों को साकार कर सकेंगे। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में डॉक्टरों की टीम को इस बायलेटरल हैंड ट्रांसप्लांट के लिए सारा श्रेय जाता है। देखो, ये सर्जरी बेसिकली एक पेंटर है, उसका हाथ कटने से एक्सीडेंट हो गया था रेलवे ट्रैक में, तो उसका हाथ दोनों कट गए थे, ठीक है। उसके बाद से वो पेशेंट हमारे, हम लोग ने उसको मैनेज किया था, हमारे ही फॉलोअप में था, और हम लोग को तब तक कोई हैंड ट्रांसप्लांट की परमिशन नहीं थी, हम लोग प्रोसेस में थे। हमको जब परमिशन मिली तो हमने उसको अपने आप एनरोल किया और हम लोग डोनर ढूंढने लगे कि कहाँ से ये कैसे मिलेगा डोनर। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारे इंडिया के अंदर डोनर्स इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हम लोग को ऑर्गन डोनेशन लोगों का थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ है, तो लोगों ने लीवर, किडनी और हार्ट देना शुरू किया था। अभी हैंड के लिए लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन ये लेडी, क्योंकि ये खुद एक प्रिंसिपल रह चुकी है स्कूल की, वो ऑर्गन डोनेशन के लिए अपने को प्लेस कर चुकी थी, उनकी फैमिली पूरी फेवरेबल थी, तो उन्होंने हमें परमिशन दी इनका हाथ ले लेने के लिए। तो जैसे हमें परमिशन मिली, हमारा डोनर रेसिपिएंट पहले से ही हमने रेडी करके रखा हुआ था, उनके ब्लड ग्रुप सब मैच हुआ, सब कुछ सब ठीक मिला, तो फिर हम लोगों ने प्रोसीड किया आगे। मैं इस टीम का पार्ट था और मेरा काम था बोन को आपस में कनेक्ट करना डोनर और रेसिपिएंट का, और इसमें मुख्य तौर पे ये देखा जाता है कि दोनों हाथों की लेंथ ऊपर नीचे ना हो, दोनों हाथ एक सेम एक्सिस में हो, मैल रोटेशन ना हो, और ये प्रोसेस जो सर्जिकल है ये बहुत ही फास्ट करना होता है, सो दैट कि प्लास्टिक और माइक्रोवैस्कुलर सर्जन्स को टाइम मिले अपना काम करने के लिए। सो इट वॉज डन इन क्विक मैनर और सब कुछ ठीक रहा। अभी पेशेंट एल्बो को मूव कर सकता है, हैंड के लिए थोड़ी और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट टू टू थ्री मंथ्स में कुछ फाइन वर्क भी शुरू हो जाए। सफलतापूर्वक हैंड ट्रांसप्लांट के बाद अब पेंटर फिर से अपनी कलाकारी दिखा सकेगा, जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। इस पेंटर ने साल 2020 में एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। पेंटर आर्थिक रूप से काफी कमजोर था और उसने बेहतर जीवन जीने की सारी उम्मीदें खो दी थी, लेकिन डॉक्टरों की कई घंटों की मेहनत और एक महिला के अंगदान की वजह से पेंटर को नई जिंदगी का रास्ता मिल गया है। और उनकी फैमिली मेंबर्स का, जिनकी वजह से आज ये सक्सेसफुली हो पाया मेरे पिताजी का हैंड ट्रांसप्लांट। अगर वो डोनेट नहीं करते तो आज हमारे फैमिली में सारी चीज़ें वैसी पुरानी जैसी रहती, लेकिन आज उनके सहयोग की वजह से मेरे पिताजी को दोनों हाथ मिल गए हैं और वो पहले जैसे काम कर सकते हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनके फैमिली मेम्बर्स का। आज वो स्वर्ग में है, लेकिन उनकी वजह से मेरे पिताजी को एक नया जीवन मिला है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें पहले जैसे कर सकते हैं। और साथ ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा गंगाराम हॉस्पिटल का और डॉक्टर महेश मंगल जी का, उनकी टीम का, जिनकी वजह से ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो पाया है। उम्मीद नहीं थी कभी ऐसा हो पाएगा इस दुर्घटना के अंदर, लेकिन आज वो सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं और वो सारी चीज़ें पहले जैसे कर सकते हैं। तो होपफुली ये सभी को अंगदान करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को एक उम्मीद मिल सके अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की। देश भर के लोग दिल्ली के डॉक्टरों की टीम की सर्जिकल उत्कृष्टता और एक महिला के अंगदान संकल्प को धन्यवाद दे रहे हैं, जिसने कई जिंदगियां बदल दी हैं। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।